13 अप्रैल को गुड़ी पड़वा मनाया गया, जिसे पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया गया और इसी दिन से नवरात्रि भी शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म और टीवी स्टार्स भी इस त्यौहार के जश्न में डूबे हुए हैं। राहुल वैद्य और दिशा परमार भी इस त्यौहार को लेकर एक्साइटेड दिखे। आखिरकार साथ में उनकी ये पहली गुड़ी पड़वा जो है। जी हाँ, इस मौके पर दिशा परमार को अपनी होने वाली सास यानी राहुल वैद्य की मम्मी से बहुत ही खास गिफ्ट मिला, जिसे राहुल वैद्य भी निहारते रह गए। राहुल वैद्य ने दिशा संग गुड़ी पड़वा सेलिब्रेशन का वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया। जी हाँ, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में राहुल ने बताया कि उनकी मां ने दिशा परमार को महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल नौवारी साड़ी और नथ गिफ्ट में दी। जी हाँ, आपको बता दें कि दिशा ने गुड़ी पड़वा पर वही साड़ी और नथ पहनी, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राहुल की माँ ने तो दिशा बहुत ही स्टनिंग लग रही थी और वो बस उन्हें निहार रहे थे। जी हाँ, दिशा परमार पिछले 8 सालों से मुंबई में रह रही है और यह पहली बार है जब वो गुड़ी पड़वा मना रही है। वो बोली कि मेरा पार्टनर महाराष्ट्रियन है, इसीलिए मैं अब गुड़ी पड़वा के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूँ। हालांकि मैंने इस फेस्टिवल को अपने पिछले शो वो अपना सा के सेट पर मनाया था, पर यह मेरा पहला सेलिब्रेशन है। जी हाँ, दिशा ने आगे बताया कि इस बार राहुल और उनकी फैमिली के लिए महाराष्ट्र के कुछ लजीज डिशेज भी बनाएंगी। चूँकि उन्हें कुकिंग अच्छी तरह नहीं आती, तो इसमें वह अपनी होने वाली सासू माँ की मदद करेंगी। राहुल वैद्य और दिशा परमार काफ़ी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बिग बॉस 14 में राहुल वैद्य ने दिशा को शादी के लिए प्रपोज किया था। दिशा ने भी बिग बॉस के घर में जाकर ही फिल्मी स्टाइल में प्रपोजल को स्वीकार किया था। इस वक्त दोनों की शादी की तैयारियां चल रही है। राहुल ने इंटरव्यू में बताया कि वो कुछ महीनों में ही शादी कर लेंगे और अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। जी हाँ, तो आपको उस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से। सुरभि की रिपोर्ट।